नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश से मिल रही है राजधानी लखनऊ को आज नया विद्युत उपकेंद्र मिलने जा रहा है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा उपकेंद्र का लोकार्पण करेंगे। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और विधायक नीरज बोरा मौजूद रहेंगे। दाऊदनगर फैजुलगंज में ये विद्युत उपकेंद्र बनाया गया है। क्षेत्रवासियों को विद्युत आपूर्ति में भी एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। दोपहर 1 बजे विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। तो फैजुलगंज में दाऊदनगर उपकेंद्र बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इससे करीब 50,000 आबादी को बिजली कटौती और लो वोल्टेज से अब राहत मिलेगी। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज नवनिर्मित उपकेंद्र का उद्घाटन करेंगे। तो एक बड़ी राहत यहां पर राजधानी लखनऊ में अब लोगों को मिलने जा रही है। करीब 50,000 ऐसी आबादी है जिसे अब बिजली कटौती और लो वोल्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्षेत्रवासियों को विद्युत आपूर्ति की सुविधा आज मिलने जा रही है। दोपहर 1 बजे विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। ₹9,87,00,000 की लागत से निर्मित उपकेंद्र से हरिओम नगर, गाजीपुर, बलराम, दाऊद नगर को बिजली सप्लाई मिलेगी। अभी तक फैजुलगंज उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति होती थी। उपकेंद्र में 5-5 MV पावर ट्रांसफार्मर लगे हैं और आज इसका लोकार्पण किया जाएगा और एक बड़ी राहत यहां पर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह का। देवेंद्र, दाऊदनगर उपकेंद्र अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और राजधानी की 50,000 आबादी को इससे बड़ी राहत भी मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज AK शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में रहकर बहुत अच्छे से शिरकत करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत जो है रूपरेखा कल ही के दिन की तैयार कर दी गई थी। तो वही आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री दो विभाग AK शर्मा जी के पास है। तो ऊर्जा मंत्री के तहत ये अपने संबोधित करेंगे कार्यक्रम को। तकरीबन 1 बजे फैजुलगंज जाएंगे जहां पर एक विद्युत पावर हाउस की ओपनिंग करेंगे, उद्घाटन करेंगे उसका। विद्युत आपूर्ति को लेकर एक काफी बड़ा सुधार इससे मिलने वाला है। तो वही विद्युत नगरीय का वितरण भी खंड सीतापुर रोड के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र है उन सबको वहाँ बिजली की सुविधाएं मिलेगी। तो वही आपको बता दें कि लगभग इसमें जो है 33/11 KV विद्युत जो है उपकेंद्र यहाँ पे आज इसकी उद्घाटन खुद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा किया जाएगा। वही दाऊदनगर फैजुलगंज लखनऊ का स्थापित किया जाएगा जिसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बता दें कि ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर वो भी वहाँ मौजूद होंगे। विधायक नीरज बोरा क्षेत्रीय विधायक है वो भी वहाँ मौजूद होंगे। वही इस कार्यक्रम की पूरा कवरेज के लिए तमाम सभी मीडिया भी एकत्रित होगी और साथ ही क्षेत्र के लोगों के लिए काफी खुशखबरी की बात भी यही बताई जा रही है कि अब जो वहाँ पे जो लाइट की जो समस्या होती थी अब वो समस्या इतनी ज्यादा नहीं होगी। आपको बता दें फैजुलगंज लगभग काफी कंजेस्टेड एरिया है, घनी बस्ती है। यहाँ पे आए दिन जो है लाइट कटौती की घटनाएं सामने आती थी, सूचनाएं मिलती रहती थी। इसके साथ ही जो लाइट जो अलग क्षेत्रों में जो 24 घंटे सरकार द्वारा लाइट प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे आए दिन कभी फॉल्ट हो रहा है, कभी तार जल रहा है, तो कभी कोई समस्याएं आ रही है। तो इन सब समस्याओं को अब निस्तारण पूरी तरीके से ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब उनकी काफी हद तक उनको राहत मिलने वाली है। अब किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए एक नए उपकेंद्र की आज यहाँ शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, काफी लंबे समय से विद्युत उपकेंद्र की मांग की जा रही थी रहवासियों द्वारा और आज उनका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। क्या लगता है, कितना उत्साह देखा जा रहा है और क्या कुछ कहना है उनका इस उपकेंद्र को लगने के बाद? उत्साह की अगर बात करें तो यहाँ का नजारा फिलहाल मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन चूंकि हम एक दिन पहले जब यहाँ पर आए थे लोगों से जांच पूछताछ की कि भाई उपकेंद्र ये जो लग रहा है इससे कितनी खुशियां आपके पास महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि काफी लंबे अरसे से हम लाइट की किल्लत से झेल रहे थे और यहाँ की जो समस्याएं थी काफी ज्यादा, कभी ट्रांसफार्मर जल रहा है तो कभी कोई तार जल जा रहा था। और जब हम बिजली कर्मचारियों से शिकायत करते तो उनका कहना था भाई पुराने उपकरण हो चुके हैं, अब यहाँ पर नई व्यवस्थाएं चाहिए। लेकिन एक जो सरकार के मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा निस्तारण सोचा है कि इन्होंने ना ही तार चेंज किए ना ही ट्रांसफार्मर चेंज किए, इन्होंने सीधा सीधा पूरा उपकेंद्र ही जनता के नाम दे दिया।
तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये खुशियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही है उनके अंदर। और सुबह का जो माहौल है तो वहां पर तकरीबन देखा जाए हजारों की संख्या में उपकेंद्र के बाहर जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्र निवासी हैं, वो सब वहां एकत्रित हो चुके हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्षेत्र के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी के आने का कि कब वो यहाँ पर आएंगे और कब इसका लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, अब जो इंतजार है वो नहीं हो रहा है लोगों से और उनका सिर्फ यही इंतजार है कि कब राज्य मंत्री आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे और जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार थे उनको वो कहीं ना कहीं अब मिलती हुई नजर आएगी। बने रहिए अब हमारे साथ देवेंद्र आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें राजधानी को आज नया विद्युत उपकेंद्र मिलने वाला है, 1 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, उसके बाद ये सुविधा उन 50,000 आबादी को मिलेगी जिससे वो काफी ज्यादा उत्साहित है और राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में G20 समिट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 10, 11 और 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदीस की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में समिट की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी नंद गोपाल करेंगे। G20 इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का आज निरीक्षण किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी और आज निरीक्षण भी करने जाएंगे नंद गोपाल। जी बिल्कुल, बताते काफी लंबे समय से G20 इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी चल रही थी। इसमें सारा विभाग जो है बिल्कुल जी जान लगा के उनका मन से पूरा इसमें लगा हुआ था। तो लगभग लगभग अब देखा जाए तो तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है, सभी को इन्विटेशन दी जा चुका है। लखनऊ को एक तरीके से दुल्हन की तरह सजाने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो भी लगभग लगभग खत्म होने के कगार में है। तो वही आपको बताते हैं कि आज औद्योगिक विभाग के मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, आज ही समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही ये उस क्षेत्र का मुआयना भी करेंगे जहाँ पे इन्वेस्टर जो मीट की जो वहाँ पे होने वाले हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे, उसकी पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे कि वहाँ पे क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से अगर हमारे मेहमान यहाँ पर आते हैं उनको क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी, इन सभी चीजों व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे आज नंद गोपाल नंदी। तो वही बताया तकरीबन एक ये इसकी समय जो निर्धारित किया गया है वो 3 बजे का समय निर्धारित किया गया। 3 बजे करीब एक समीक्षा पहले बैठक करेंगे और ये बैठक भी उसी स्थल पर करेंगे जहां पर इन्वेस्टर्स मीट G20 इन्वेस्टर्स मीट होने वाला है। तकरीबन जब समीक्षा बैठक करेंगे तो उसके बाद उस क्षेत्र का मुआयना करेंगे। आपको बता दें ये वही क्षेत्र है जो इससे पहले यहाँ पर डिफेंस एक्सपो जो तैयार बनाया गया था, डिफेंस एक्सपो की तैयारी की गई थी यहीं पर, उसी जगह पर ही अब ये इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी की जा रही है। तो काफी लंबे दायरे में इसको कवर किया गया है, पूरा वाटरप्रूफ टेंट तैयार किया गया ताकि बरसात में भी इसको सुरक्षित रखा जा सके, यहाँ तक कि पूरी जमीन को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया गया है। पार्किंग की वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है, इसको कवर किया गया है, इससे बाहर से आने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत होने की कोई संभावना उत्पन्न नहीं होती है। और बात करें कि जो G20 इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी हो रही है वो थाना PGI के अंतर्गत वृंदावन योजना में ये तैयारी चल रही है जहां पर पूरा एरिया जो है बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अगर यहां से आप गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा, मानिए जैसे हम भारत में चल के किसी बड़े किसी कंट्री में चल रहे हैं, वो समझ लिए पूरा डेवलप ही कर दिया गया है पूरा क्षेत्र, चाहे वो सड़क हो या फिर वो जगह ग्राउंड जहां पर पूरा टेंट लगाया जा रहा है। इन सब चीजों का नंद गोपाल नंदी खुद वहां पर जाके दौरा करेंगे और वहां पर हर एक चीज का मुआयना करेंगे और जानकारी लेंगे कि इन्वेस्टर्स जो हमारे मित्र यहां पर आएंगे उन्हें कहां रखा जाएगा, कहां भोजन की व्यवस्थाएं की गई है, कहां पर पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है और कहां पर जो व्यवस्थाएं वहां की गई, सबका एक एक वन बाय वन करके जायजा लेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं और लखनऊ को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ये यूं कहें ऐसा लगता है किसी विदेश में हम पहुंच गए हैं, पहले की लखनऊ के और इस बार अब जो लखनऊ बन गया है उसमें काफी ज्यादा तुलना देखी जा रही है, काफी ज्यादा बदलाव देखा जा रहा है और जो मेहमान आएंगे यहाँ पहुंचेंगे कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस होगा कि लखनऊ जैसा शहर शायद ही कहीं भारत में है। तो देवेंद्र ये समझना चाहेंगे जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसे लेकर और क्या कुछ तैयारियां हैं जो फिलहाल बाकी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि लखनऊ किसी विदेश से कम नहीं नजर आएगा। लखनऊ का वो क्षेत्र जहां इन्वेस्टर्स अपना एक संभावना लगाएंगे कि इन्वेस्टर्स कहां कहां जाएंगे, या टूरिस्ट जगह लखनऊ की है या फिर लखनऊ की वो जगह जहां इन्वेस्टर्स की गाड़ियां गुजरेंगी
एयरपोर्ट से लेकर प्रोग्राम स्थल तक, और प्रोग्राम स्थल से लेकर जैसे कि हम बात करें लखनऊ के जो मशहूर है यहाँ का इमामबाड़ा, भूल भुलैया या फिर आपका गोमती नगर क्षेत्र, इस क्षेत्र को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। मान लीजिए जैसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो रोडें हैं, सड़कें, उनको डेकोरेट किया गया है। और अधिकारियों की बात करें तो सभी विभाग के जितने भी अधिकारी सब अपने अपने काम में लग चुके हैं। तो वही हम बात करें अगर सड़कों की, तो सड़कों में गड्ढा बहुत बड़ी शब्द कर रहे हैं, एक छोटा सा कहीं भी एक होल नहीं दिखाई देगा। और साथ ही सड़कों के बीच में या किनारे साइड जो डिवाइडर बने हुए हैं, डिवाइडर को रंगा गया है, यहाँ तक कि उसमें फ्लावर्स की व्यवस्था की गई है, गमले लगाए गए हैं, और प्लर जो पोल, लाइट के पोल है, उन पोलों को लाइट से कवर किया गया है। अतिथि देवो भवा, हाथ जोड़ते हुए एक महिला का उसमें स्ट्रक्चर भी लगाया गया है। इस तरीके से जब ये लाइटें चलेंगी तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरती दिखाई देगी। दिन की अपेक्षा अगर रात में यहाँ से गुजरेंगे तो इसका बहुत असर हमारे भारत देश पर जरूर पड़ेगा। जब इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे, वो यहाँ का नजारा देखेंगे, तो कहीं ना कहीं तारीफ जो है वो भारत की पूरे विदेश में होगी कि इतनी खूबसूरत जगह सिर्फ लखनऊ है, तो सोचिए पूरा भारत कितना खूबसूरत होगा। तो कहीं ना कहीं पुराने हमारे भारत में कहावत है ना, अतिथि देवो भव, हमारे लिए अतिथि किसी देव भगवान से कम नहीं है। ठीक उसी के तर्ज पर ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, चाहे वो नेशनल लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स हो, सभी को यहाँ का नजारा देखकर इनका मन लुभा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही नंद गोपाल नंदी द्वारा भी सारे जितने भी इन्वेस्टर्स है या जितने भी कंट्रियां हैं सबको इन्विटेशन भेज दिया गया है ताकि यहाँ भारत निमंत्रण लेने के लिए। अब देखना यह होगा कि कौन सी कितनी कंट्री लखनऊ में आगमन करती है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी देवेंद्र की कितनी कंट्रीज जो है वो लखनऊ में आगमन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी की। तो बता दें जो लखनऊ शहर है वो पूरी तरह दुल्हन की तरह सज चुका है, इसके साथ ही कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति परंपरा की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरह से अतिथि देवो भवा के तहत यहाँ पर जो आने वाले मेहमान हैं उनका स्वागत किया जाएगा और भव्य तैयारी की शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी है, और तमाम तैयारियों का जायजा लेने आज मंत्री पहुंचेंगे और जो भी कुछ खामियां होंगी उस पर बाकी जो बचे हुए दिन है उनमें सुधार किया जाएगा। 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है और इसका फायदा कहीं ना कहीं युवाओं को मिलेगा। सीएम योगी भी इस बात को कह चुके हैं कि इसका जो पूरा फायदा है युवाओं को मिलेगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार युवाओं पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल का आज दुर्ग और राजनांदगांव दौरा रहेगा। सीएम भूपेश विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भरेगांव में किसान अन्नदाता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तर्रा पाटन में सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का आज दुर्ग और राजनांदगांव दौरा रहेगा, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भरे गांव में किसान अन्नदाता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तर्रा पाटन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जहां पर वो शिरकत करने पहुंचेंगे। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी आज लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तमाम जो जानकारी है सीएम के कार्यक्रम को लेकर वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का आज सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में आज वो शामिल होंगे। भरे गांव की बात की जाए वहां पर किसान अन्नदाता सम्मेलन आयोजित किया गया है जहां पर वो पहुंचेंगे। किसानों को जो योजनाएं कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही हैं छत्तीसगढ़ में उसका बखान करते हुए नजर आएंगे। किसानों से बातचीत भी करेंगे, जो भी समस्या किसान जूझ रहे हैं उसकी जानकारी भी वो लेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे वो कि किसी तरह की कोई भी खामी किसानों को अगर परेशानी होती है तो वो जल्द से जल्द दूर की जाए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता नदीम की ओर। नदीम, सीएम भूपेश बघेल आज भरे गांव में किसान अन्नदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे और तमाम तरह के कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है, दो जिलों का दौरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमृता, मुख्यमंत्री राजनांदगांव में भरने गांव में जो है किसान अन्नदाता में कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 11:55 पे वो पहुंचेंगे वहां, राजनांदगांव ग्राम के भरने गांव पहुंचेंगे। वहां बाजार चौक में लगभग 12 बजे स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहां वही जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक के तत्वाधान में आयोजित किसान अन्नदाता सम्मेलन में जो है वो शिरकत यहां पर करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 1:30 बजे भोरे गांव से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान होंगे। 1:30 बजे लगभग जो है दुर्ग जिले के पाटन तहसील में जामगांव एम में पहुंचेंगे और वहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। साथ ही स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति का अनावरण यहां पर करेंगे। उसके बाद लगभग मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग के गृह विभाग पहुंचेंगे, वहां पर तर्रा में चंद्र साहू कुर्मी समाज का परिक्षेत्र के तत्वाधान में जो आयोजित मिलन एवं सम्मान समारोह है उसमें शामिल होंगे। लगभग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 बजे के करीब जो है राजधानी वापस लौट जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दो जिलों के दौरे पर है, यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजित होंगे। जहाँ किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, वही स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उनके श्रद्धा सुमन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ अर्पित करेंगे। अमृता, बिल्कुल नदीम, आज सीएम भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसके तहत आज वो उनमें शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आत्मनंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी आज वो लोकार्पण करने जा रहे हैं, विद्यार्थियों से भी वो बातचीत करेंगे और किसानों का जो सम्मेलन है अन्नदाता सम्मेलन उसमें भी शिरकत करेंगे और तमाम तरह की जो परेशानियां किसानों को कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है उसकी भी वो फीडबैक लेंगे और अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर फरवरी बजट खर्च करने पर अब रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग ने विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए, कहा है केवल बजट खपाने के लिए ना हो खरीद, केंद्र योजनाओं पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध, जेलों अस्पतालों और शराब दुकानों को भी राहत, राजभवन सीएमओ पर भी प्रतिबंधों से बाहर है। हालांकि अब वित्त विभाग ने विभागों को ये निर्देशित कर दिया है कि फरवरी के बाद बजट खर्च करने पर रोक रहेगी। अनाप शनाप और गैर जरूरी खरीदी जो की जाती थी अब उस पर उसे नुकसान होता था, कहीं ना कहीं उसे उस पर रोक लगा दी जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता नदीम क्यों। नदीम, फरवरी बाद बजट खर्च करने पर वित्त विभाग ने अब रोक लगा दी है। अमृता, एक बड़ा फैसला यहाँ पर राज्य सरकार का निकल कर आया है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 28 फरवरी के बाद से चालू वित्तीय वर्ष बजट में आवंटित पैसे में किसी भी तरह की खरीदी पर पूर्णतः प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जो है व्यापक निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग को आशंका है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने पर जो है विभागीय अधिकारी जो है वो बजट खरीद खपाने के लिए जो है अनाप शनाप गैर जरूरी खरीदी करते हैं, जिसके चलते एक बड़ा फैसला राज्य सरकार को लेना पड़ा। इसके वजह से जो बजट खपाने की गरज से अनाप शनाप खरीदी करते हैं, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को, राजस्व मंडलों को, अध्यक्षों को, संभागीय आयुक्तों को, विभागीय अध्यक्षों और कलेक्टरों को दिशा निर्देश भेजा है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 28 फरवरी 2023 या इसके बाद वित्त विभाग द्वारा की गई स्वीकृति से ही खरीदी की जा सकेगी। इसके अलावा अगर देखें तो केंद्रीय योजनाओं पर यह जो है यह दिशा निर्देश नहीं लागू होगा। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्रीय परिवर्तित योजना, केंद्रांश प्राप्त होने वाले अनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि से विदेशी सहायता प्राप्त करने पर यह लागू नहीं होगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जेलों, अस्पतालों, शराब दुकानों को भी इसमें इस निर्देश पे राहत दी गई है। वहीं अगर बात करें तो आकस्मिक कैदे पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही राजभवन और सीएमओ को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, क्योंकि वित्त विभाग के अनुसार जो है राजभवन खरीदी पर प्रतिबंध राजभवन और सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास,
तथा मुख्यमंत्री सचिवालय पेंट्री पर लागू नहीं होगा। यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय पर भी यह लागू नहीं होगा। एक बड़ा फैसला जो है वो बेजा खर्च को लेकर के जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने निकाला है। निश्चित रूप से इससे सरकार को एक बड़ा फायदा जो है वो होने के आसार नजर आ रहे हैं। अमृता, बिल्कुल मिला जुला के नदीम, राज्य की वित्त स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया। जो नाप शनाप खर्चा है उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। बने रहिए आप हमारे साथ नदीम, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें फरवरी के बाद यानी कि 28 फरवरी के बाद खर्च करने पर रोक लगी रहेगी, ताकि जो नाप शनाप खर्चा किया जाता था वो अब नहीं करने की अनुमति दी जाएगी। और उसके साथ ही आपको बता दें कि जो राज्य की स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। और जेलों, अस्पतालों, शराब दुकानों को इससे फिलहाल राहत है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर नवा रायपुर में अब G20 की बैठक होगी। G20 बैठक में 29 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दुनिया के वित्तीय सचिव आर्थिक हालात पर मंथन करेंगे भारत को इस साल। G20 की अध्यक्षता मिली है, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर भी चर्चा की जाएगी। सभी राज्यों में 56 स्थानों पर 215 बैठकें होंगी, जिसमें रायपुर को सबसे बड़ी मेजबानी मिली है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता नदीम की। नदीम, नवा रायपुर में G20 की बैठक होने जा रही है, कि बड़ी जिम्मेदारी रायपुर को मिली है, छत्तीसगढ़ को मिली है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, देश इस बार भारत को G20 की मेजबानी मिली है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है। वित्तीय सचिव आर्थिक हालात पर तीन दिन यहां पर मंथन करेंगे। G20 की बड़ी बैठक नवा रायपुर में जो है वो आयोजित होगी। सितंबर में जो है ये आयोजित होनी है। 29 देशों के प्रतिनिधि जो है राजधानी आएंगे। 21 से 23 सितंबर तक का की तारीख संभावित जो है वो मानी जा रही है। 29 देशों के वित्त सचिव एवं बड़े अधिकारी आएंगे। 3 दिनों तक इस पे मंथन होगा, वित्तीय स्थिति पर जो है वो मंथन होगा। इसकी तैयारी राजधानी में शुरू कर दी गई है। हालांकि G20 के प्रतिनिधि के देश के सभी राज्यों में, क्योंकि यह बैठक देश के सभी 56 स्थानों पर बैठक होनी है, 215 बैठकें कुल जो है G20 की होनी है, जिसमें 56 स्थान है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बैठक, 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी राजधानी रायपुर की मिली है। इसको लेकर के सुरक्षा को लेकर के जो है व्यवस्था को लेकर के पहले ही गुजरात में बैठक हो चुकी है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा, उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए तमाम व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने की तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। 1000 से ज्यादा जवानों की सुरक्षा तैनाती यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग जो है राज्यों में करने का एक मुख्य मकसद यह है कि हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति, साहित्य और वहां के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसका मुख्य उद्देश्य अमिता माना जा रहा है। तो एक बड़ी बैठक जो है छत्तीसगढ़ के G20 की एक बड़ी बैठक की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी तमाम जानकारी की। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके उद्देश्य से एक बड़ी बैठक की जा रही है और 21 से 23 सितंबर तक ये बैठक आयोजित की गई है, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं।